स्टूडेंट्स, आज हम आपको जो है रिलेशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शंस फर्स्ट चैप्टर है आपके क्लास 12th का, जिसमें से टॉपिक रिलेशन को हम लोग ले रहे हैं। सबसे पहले हम आपको रिलेशन की डिफिनेशन बताते हैं। आर इज सेड टू बी रिलेशन। आर को हम रिलेशन बोलेंगे। किसी भी सीट ए से बी में, कब? इफ एंड ओनली, तब और तभी जब आर आपका सबसेट हो ए क्रॉस बी का। क्लास 11th में आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रखा है और सबसेट भी पढ़ रखा है, ठीक। तो अब अगर कभी भी कोई बोले कि आर रिलेशन है, तो दैट मीन्स आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तभी हम बोलेंगे कि आर रिलेशन ए से बी में है। जस्ट लाइक अगर हमसे कोई ये बोले कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, तो हम सिर्फ यहीं पे यही लिख देंगे कि आर इज ए सबसेट फ्रॉम बी क्रॉस ए। नाउ हम आपको कुछ एग्जांपल दे रहे हैं रिलेशन के। तो सबसे पहले आ जाइए कि ए एंड बी आर टू सेट ले रहे हैं, और उसमें से ये ढेर सारे हमने आपको एग्जांपल दिए, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा आपका रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए आप लोग, आपको ये यहाँ पे दिया हुआ है। देखो रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए था, सबसेट होना चाहिए था। सबसेट अगर होना चाहिए था तो सबसेट का मतलब हुआ कि ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ए क्रॉस बी का सबसेट होने के लिए मतलब है कि आर में ऐसे एलिमेंट होंगे कि पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा और बाद वाला एलिमेंट बाद वाले सेट का होगा। दैट मीन्स आर को हम रिलेशन तभी बोलेंगे जब पेयर का ये पहला एलिमेंट ए से आना चाहिए और बाद वाले एलिमेंट बी से आना चाहिए। देखो ये बात सही है कि नहीं, ए यहाँ का है, बी यहाँ, और फिर बी का टू है, फिर देखो टू यहाँ है तो टू यहाँ भी है, फिर देखो थ्री यहाँ पे है तो टू यहाँ पे काम बना हुआ, इसीलिए ये वाला आपका रिलेशन हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला देखो रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब आपको केवल एक काउंटर एग्जाम्पल देना है, तो हम लोग एक काउंटर एग्जाम्पल देते हैं। आप देखो यहाँ पे पहला एलिमेंट यहाँ पे है, टू, टू पहले सेट का है, फोर बाद वाले सेट का है, थ्री पहले सेट का है, वन बाद वाले सेट में नहीं है। तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि थ्री कॉमा वन आर में तो है, लेकिन थ्री कॉमा वन ए क्रॉस बी नहीं है। क्यों? कि ए क्रॉस बी में होने के लिए क्या होना चाहिए था, ए को थ्री में जाना चाहिए था और वन को बी में जाना चाहिए, लेकिन वन बी में नहीं है, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये रिलेशन नहीं है। सिमिलरली हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन थर्ड में, ये भी आप चेक कर सकते हैं, ये रिलेशन है। अब आ जाते हैं फाइव। देखिए फाई हर एक सेट का सबसेट होता है, और अगर सबसेट होगा तो उसे रिलेशन होना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग बोल देंगे कि फाई इज द रिलेशन, एंड दिस इज द वाइड और इम्पटी रिलेशन कह सकते हैं हम लोग। इसको वाइड भी बोल सकते हैं या इम्पटी भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आर क्रॉस आर में। तो अब आप इसमें देखिए, तो ये आर क्रॉस आर कहने का मतलब हुआ, इसका नाम ये देखो, कोई भी सेट है तो वो अपना तो सबसेट होता है, तो ए क्रॉस बी का तो सबसेट होगा, और अगर सबसेट है तो रिलेशन होगा। अतः आप कह सकते हो यहाँ पे कि आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कुछ खास चीज़ें जो कि आपने 11th में पढ़ रखी हैं, लेकिन एक बार मैं एक्सप्लेन करूँगा। आपको पता है कि अगर कोई सेट ए में एन एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने होंगे, टू की पावर है, क्योंकि सबसेट जो होंगे वही रिलेशन कहलाते हैं। तो अब देखो अगर एक सेट ए में एम एलिमेंट है, बी में एन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे बताओ, एम एन एलिमेंट होंगे। तो अब एम एन एलिमेंट हैं तो इसके सबसेट कितने होंगे, टू द पावर जितने एलिमेंट हों, तो यानी टू द पावर एम एन इज द नंबर ऑफ रिलेशन। अब उसके बाद एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किसी एक सेट में तीन एलिमेंट हैं और सेट बी में आपके दो एलिमेंट हैं, तो फाइंड करना है आपको कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे ए से बी में। तो आपको पता है कि आर इज अ रिलेशन कब, जब आर सबसेट हो, तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे ये देख लें तो रिलेशन पता चल जाएगा। और सबसेट के लिए आपको पता है यहाँ पे, तो देख लो ये एम एन वाला फार्मूला होता है, यहाँ थ्री है, टू है, तो सिक्स होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट टू द पावर सिक्स। अब रिलेशन ऑन ए सेट की बात अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो रिलेशन ऑन ए सेट की बात करते हैं यहाँ पे, तो आर कोई रिलेशन है किसी सेट में। अभी तक हमने दो सेट लिया था, लेकिन इस बार हमने एक सेट लिया है, तो एक सेट में अगर रिलेशन की बात हम लोग करते हैं तो मतलब दोनों ए और बी दोनों सेम एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि रिलेशन में ऑलवेज एलिमेंट कैसे होंगे, पेयर में होंगे, और पेयर में होने का मतलब है कि अब बी भी ए बन गया है। तो अब देखो जब कोई रिलेशन होता है जो कि एक ही सेट में होता है, तो उसका नाम बाइनरी रिलेशन भी होता है। बाइनरी रिलेशन की बात हम लोग नेक्स्ट नीचे आगे करेंगे। तो आप देखो कोई भी सेट 1, 2 है तो इसमें ढेर सारे सबसेट हो सकते हैं। मैं कुछ बना रहा हूँ, आपको बताना है कि ये रिलेशन है कि नहीं है। फिर देखो वही पुरानी कहानी, आर वन रिलेशन होगा जब ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आर में जो एलिमेंट होंगे उसमें ए के एलिमेंट पहला भी होगा, पेयर का अगला वाला एलिमेंट भी ए का होगा। देखो 1 और 1, 1, 2, तो देखो 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, और फिर इसी तरीके से 1 यहाँ है, 2 यहाँ, ये है,
इसको भी आप चेक कर सकते हो, बट ये वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये वाला जो एलिमेंट है आपका, टू एलिमेंट तो है ए में लेकिन थ्री नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट ए रिलेशन। अब आर थ्री रिलेशन नहीं, इसको बोर्ड में कैसे लिखोगे? क्योंकि वहाँ बोर्ड में आपको लिखने का नंबर मिलेगा। तो आप देख लो इसको, आर थ्री रिलेशन होने के लिए टू कॉमा थ्री बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, बट आप देखो यहाँ पे टू कॉमा थ्री भैया आर में, आर थ्री में तो है लेकिन टू कॉमा थ्री ए में नहीं है। क्यों नहीं है? तो ए क्रॉस ए में नहीं है क्योंकि थ्री एलिमेंट ए में नहीं है, तो ए क्रॉस ए में नहीं होगा, दैट मीन दिस इज नॉट ए रिलेशन। तो इस तरीके से आप बोल दोगे। और आपको वही हमने अभी जो बताया, अगर बोथ सेट सेम हो जाए, दैट इज का ये साइन दिखाया हमने, तो इस सेट टू बी द बाइनरी रिलेशन। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। तो टाइप ऑफ रिलेशन देखो, आप आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ोगे, फिर रिफ्लेक्सिव, सेमेट्रिक एंड ट्रांसटिव, एंड देन एंटी सेमेट्रिक एंड एसेमेट्रिक की बात करेंगे। तो आज हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन उठाते हैं। देखो भाई, आइडेंटिटी रिलेशन किसको बोलते हैं? अब सब बातें हम बाइनरी रिलेशन में करेंगे। बाइनरी रिलेशन करने का मतलब है कि आपका सेट ए और सेट बी दोनों सेम होगा। अब आ जाते हैं हम लोग सेट ए, सेट ए में बात आते हैं और कहते हैं कि कोई भी रिलेशन आइडेंटिटी कब कहलाएगा। एक सीधी सी बात है, आर में जिसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे, आर में केवल ए में जितने एलिमेंट हैं सब कॉपी के साथ होने चाहिए और केवल कॉपी वाले ही होने चाहिए, उससे ना तो ज़्यादा ना तो कम, ओनली साइन। ठीक, तो हम लोग इसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखो एक सेट ए लिया हम, इसमें आइडेंटिटी रिलेशन आपसे पूछ रहे हैं कौन है। आप देखो यहाँ पे आर वन, आर वन आइडेंटिटी होने के लिए क्या है, सेट में जितने एलिमेंट है सब कॉपी के साथ होने चाहिए, तो वन है तो वन वन है, टू है तो टू है, तो ये आइडेंटिटी हो गया। फिर सिमिलरली हम लोग जाते हैं आर टू में, तो वन कॉमा वन है, टू कॉमा टू है, चलेगा, लेकिन वन कॉमा टू एक्स्ट्रा हो गया, तो ओनली कंडीशन फेल हो रही ना, इसीलिए ये आइडेंटिटी नहीं है। सिमिलरली यहाँ वन कॉमा वन तो है लेकिन टू कॉमा टू नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट आइडेंटिटी। ओके, एंड आइडेंटिटी रिलेशन को आई से डिनोटेड करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब इस तरीके से आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू क्लास।